students of class 2. Now, today we are going to proceed our chapter, that is chapter number 2, and the name of the chapter is Input and Output Devices. हम लोग अपने chapter number 2 को और proceed करेंगे. इसमें हम लोग last topic पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस. उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग रिकैप करेंगे कि हम लोग ने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में क्या पढ़ा है. ओके, इनपुट डिवाइस में हम लोग ने क्या पढ़ा है बेटा? व्हाट इज एन इनपुट? डेटा. डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था. नंबर्स हो सकता है, लेटर्स हो सकता है, और पिक्चर्स हो सकता है. ओके, एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द इनपुट. जो भी डेटा हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, एंटर्ड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं. और हम लोग डेटा किसके थ्रू इनपुट करते हैं? वो है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, जॉयस्टिक. ओके, तो इनके थ्रू हम क्या करते हैं? डेटा एंटर्ड करते हैं. क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस. ओके, व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस? द रिजल्ट गिवन टू अस बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द आउटपुट. इट कैन बी नंबर्स, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, पिक्चर्स, एक्सेट्रा. कंप्यूटर द्वारा हमें दिया गया रिजल्ट क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है. उन्हें हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं. अब आउटपुट आपको तभी मिलेगा जो भी कुछ आपने इनपुट किया होगा. अब वो चाहे नंबर्स इनपुट किया हो, चाहे वो लेटर्स इनपुट किया हो, जो भी आपने किया होगा वही आपको आउटपुट मिलेगा. क्लियर एवरीवन? तो आउटपुट हमें कहाँ पर दिखाई देता है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स. नाउ ओपन योर पेज नंबर 15. अब आपको क्या ओपन करना है? अपना पेज नंबर 15 ओपन करना है. अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रोसेसिंग डिवाइस. क्या पढ़ेंगे? प्रोसेसिंग डिवाइस. व्हाट इज प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग किसके थ्रू होता है बेटा? मैंने आपको बताया था, जब फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बताया था CPU. CPU से क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है. क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है. और चैप्टर जब सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए थे तब भी मैंने आपको बताया था हम कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हैं? इनपुट करते हैं. CPU में क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है. और आउटपुट कौन दिखाता है? मॉनिटर दिखाता है. तो हमारे 3 मेन होते हैं. इनपुट के थ्रू हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करते हैं, फिर जो हम इनपुट किए हैं, जो भी कुछ हमने एंटर्ड किया है, वो उसको प्रोसेस कौन करता है? CPU करता है, क्योंकि वो हमारा क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इसलिए वो प्रोसेस करता है, उसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं. और जो भी प्रोसेसिंग हुआ है वो सारी चीज़ हमें कहाँ दिखाई देगी? मॉनिटर पे डिस्प्ले होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं. क्लियर एवरीवन? नाउ हियर प्रोसेसिंग मीन्स वर्किंग ऑन द इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग द करेक्ट रिजल्ट, दैट इज आउटपुट. जब कंप्यूटर इनपुट पर काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं. ओके, जो फिर प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी हमने इनपुट किया है, इनपुट से प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या दिखाई देगा? आउटपुट दिखाई देगा. ओके, CPU कंट्रोल्स ऑल द कनेक्टेड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. मीन्स जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है उसको कौन, उससे जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड है उसे कौन कंट्रोल करता है? CPU. मीन्स CPU से जितनी भी चीज़ें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्टेड है उसे कौन कंट्रोल करता है? CPU कंट्रोल करता है. ओके, तो हम लोग CPU को कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. नाउ CPU इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस. CPU क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है. क्लियर एवरीवन? तो हम CPU को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस है. आउटपुट मॉनिटर एंड इनपुट कीबोर्ड. और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या हुआ? CPU हुआ. इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द इनपुट एंड डिवाइसेस एंड सेंड्स द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइसेस. क्या होता है? हमने जो भी इनपुट किया है, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो इनपुट हुआ है. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है बेटा? प्रोसेस हुआ है. प्रोसेस के बाद क्या हुआ है? सेंड द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस. उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं. इनपुट के बाद क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है. प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है? आउटपुट होता है. तो ये IPO साइकिल आपको याद होनी चाहिए.
तो सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होता है, आई स्टैंड्स फॉर इनपुट, पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग एंड ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। तो इसे हम क्या कहते हैं, आईपीओ साइकिल। इस आईपीओ साइकिल के थ्रू क्या करता है कंप्यूटर, वर्क करता है। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस। अ स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू स्टोर डेटा। स्टोरेज डिवाइस का क्या काम है, कंप्यूटर्स में क्या स्टोर करता है, डेटा। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ अपने माइंड में, ब्रेन में स्टोर करते हैं, तो वैसे कंप्यूटर में क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है जो सब सारे डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। कौन कौन से हैं, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव्स एंड हार्ड डिस्क आर यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ के उससे हम क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। किसमें, सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव्स में एंड हार्ड डिस्क में। इनमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? तो इसलिए कहा जाता है अ स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू स्टोर डेटा। क्लियर? तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा स्टोरेज डिवाइस क्या क्या है, तो आप क्या बताओगे, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव्स एंड हार्ड डिस्क, ये आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। और प्रोसेसिंग डिवाइस पूछा जाएगा तब आप क्या बताओगे, सीपीयू बताओगे। इनपुट डिवाइस पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, कीबोर्ड, ओके, माउस, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, जॉयस्टिक। और आउटपुट डिवाइस पूछा जाएगा तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन। प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले हम लोग सीडी एंड डीवीडी के बारे में पढ़ेंगे। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। आपको ये सीडी का फुल फॉर्म लर्न करना है, क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, COMPACT, कॉम्पैक्ट डिस्क, DISK डिस्क। एंड डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DIGITAL, डिजिटल वर्सटाइल, VERSATILE, TILE डिस्क, DISK डिस्क, ओके। दीज आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सीडी और डीवीडी के थ्रू इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ओके। बोथ ऑफ दीज आर सर्कुलर इन शेप। आप देख रहे होंगे नीचे, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, सीडी और डीवीडी दोनों का जो शेप है वो कैसा है, सर्कुलर में, एक सर्कल में शेप है। देखो सीडी भी आपकी वैसे ही दिखती है और डीवीडी भी आपकी वैसे ही दिखती है, ठीक है। बट अ डीवीडी हैज मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ सीडी। सीडी से ज़्यादा डीवीडी में कैपेसिटी होती है स्टोर करने की। क्लियर? आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ डीवीडी हैज मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ सीडी। सीडी से ज्यादा डीवीडी में स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बस फर्क इतना है, बाकी शेप आप देख रहे हो दोनों का सर्कुलर शेप है। नाउ नेक्स्ट वन इज पेन ड्राइव, ओके, पीडी, पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज अ स्मॉल डिवाइस, इट इज कनेक्टेड टू अ USB पोर्ट, ओके, ऑन द CPU बॉक्स। पेन ड्राइव आपका क्या है, एक स्मॉल डिवाइस है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये आपका क्या है बेटा, पेन ड्राइव है, ओके। अ पेन ड्राइव इज़ ए स्मॉल डिवाइस, एक छोटी डिवाइस है ना, इट इज़ कनेक्टेड टू अ USB पोर्ट ऑन द CPU। आप देखे होंगे CPU में जो USB पोर्ट होता है, हम उसे वहाँ पर इसको क्या करते हैं, पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। क्लियर? कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, USB पोर्ट, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, USB पोर्ट में कनेक्ट करते हैं। सो डेटा कैन ईजली बी कॉपीड, स्टोर्ड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पेन ड्राइव टू अ कंप्यूटर और वाइस वर्सा, ओके। तो डेटा जो है वो ईजली कॉपी हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है, ट्रांसफर्ड हो जाता है फ्रॉम अ पेन ड्राइव टू अ कंप्यूटर। अगर हमें कोई भी चीज़ पेन ड्राइव के थ्रू ट्रांसफ़र करना है या कॉपी करना है या स्टोर करना है, तो हम पेन ड्राइव से ईजली वे में क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कॉपीड कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क। इट ऑल्सो स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हार्ड डिस्क में भी क्या है,
इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में डेटा क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है. इट कम्स इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज. ओके, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटीज है वो अच्छी है. क्लियर एवरीवन? तो हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में भी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. ओके, तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, सीडी एंड डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क. तो सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, पेन ड्राइव पीडी, एचडी हार्ड डिस्क. क्लियर एवरीवन? तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, अपनी बुक से पढ़ना है. क्लियर एवरीवन? आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एमएस पेंट. क्लियर एवरीवन? तो आपको इसमें बुक्स में अपनी सारी एक्सरसाइज फिलअप करना है. आपको इसका नोट्स दिया गया है, आप अपने नोट्स से भी पढ़ाई करेंगे. क्लियर एवरीवन? ओके, थैंक यू क्लास. नाउ हियर इज योर होमवर्क. ये आपका क्या है बेटा, होमवर्क है. आपका कोई भी क्लास वर्क नहीं है, ये होमवर्क आपको अपने होमवर्क कॉपी में करना है. ठीक है? तो इसमें दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. बी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक. सी क्वेश्चन स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ करना है, अपने होमवर्क कॉपी में करना है. ठीक है? कहाँ पे करना है, अपने होमवर्क कॉपी में. और ये होमवर्क सेंड करना कंपल्सरी है. आप अपना होमवर्क अपने नेम के साथ सेंड करोगे, और जो भी बच्चा होमवर्क नहीं सेंड करेगा उसे 0 मार्क्स मिलेगा. क्लियर एवरीवन?